नमस्कार, महाराष्ट्र को लेकर नए सर्वे में आखिर किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। 288 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उन आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। और महाराष्ट्र को लेकर जो नया सर्वे सामने आया है, उसके बाद खलबली दिखाई दे रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में काफी हलचल बढ़ चुकी है। और महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि जो वादे हैं, जो चुनावी हलचल है और जिसका आज के सीट फॉर्मूला यहाँ पर तय हुआ है, यहाँ पर बात की जाए तो उसके बाद काफी खलबली दिखाई दे रही है। लेकिन महाराष्ट्र के नए सर्वे ने सभी को चौंकाया है और 288 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, उसमें किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। देखिए, सीएम का लोकप्रिय दावेदार महाराष्ट्र में इस समय कौन नजर आ रहा है, जो लोक नीति सीएचडीएस का सर्वे सामने आ रहा है, तो यहाँ उद्धव ठाकरे बढ़त हासिल कर रहे हैं। 28 सीधी लोगों की राय में यहाँ पर लोकप्रियता में आगे नजर आ रहे हैं, जबकि एकनाथ शिंदे जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, 20 फीसदी, और देवेंद्र फडणवीस यहाँ 16 फीसदी, शरद पवार 8 फीसदी, अजीत पवार 3 फीसदी लोगों को लेकर यहाँ पर जो है सीएम पेज को लेकर जो सीएचडीएस का सर्वे सामने आ रहा है। महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो महायुक्ति सरकार से कितने संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में महायुक्ति यानी एनडीए की सरकार है, जिसमें शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे यहाँ मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी से यहाँ देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है, जबकि बात की जाए तो एनसीपी अजीत पवार भी यहाँ पर जो है डिप्टी सीएम के तौर पर हैं। तो सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी हद तक अब माना जा रहा है कि महाराष्ट्र का जो माहौल है वो पूरी तरह से बदलता नजर आया है। देखिए, पूरी तरह से संतुष्ट कहने वाले 20 फीसदी लोग हैं, कुछ हद तक संतुष्ट कहने वाले 41 फीसदी, कुछ हद तक असंतुष्ट का आंकड़ा 14 फीसदी है, और पूरी तरह से असंतुष्ट जो है वो 18 फीसदी है। और जो लोक नीति सीएसडीएस का जो सर्वे सामने आ रहा है, इसके अलावा बात की जाए तो सीएम का लोकप्रिय दावेदार आखिर बात की जाए तो कौन नजर आ रहा है, जिसमें उद्धव ठाकरे बढ़त हासिल कर रहे हैं, किस कैटेगरी में महाविकास अघाड़ी को लीड की बात की जा रही है, जो यहाँ पर न्यूज पैक सीएसडीएस का सर्वे सामने आ रहा है। इसके यहाँ पर बात की जाए तो महाविकास अघाड़ी में जिसमें उद्धव ठाकरे या कांग्रेस पार्टी है और शरद पवार है, तो मुस्लिम यहाँ पर जो है मतदाता 48 सीधी लोगों की राय में यहाँ पर आगे नजर आ रही, लीड हासिल कर रही है। बुद्धिस्ट यहाँ 44 सीधी है, आदिवासी जो कैटेगरी है वो 30 सीधी लोग यहाँ महाविकास अघाड़ी को लीड हासिल कराती नजर आ रही है। गरीब 11 फीसदी है, लोअर क्लास 5 फीसदी, और किसान 11 फीसदी लोगों की यहाँ पर लीड हासिल कर रहे हैं। किस कैटेगरी में महायुक्ति को लीड की संभावना सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पर बात की जाए तो सवर्ण 45 फीसदी लोगों की राय में, सवर्ण की जो राय है उसमें महायुक्ति यहाँ लीड कर रही है। मराठा यहाँ पर जो आरक्षण मुद्दा भी यहाँ पर चुनाव में गूंज रहा है, 18 फीसदी है, ओबीसी 16 फीसदी, दलित 7 फीसदी और अमीर 17 फीसदी लोग महायुक्ति को लीड की संभावना दिखाई दे रही है। किस जाति धर्म में कौन पसंदीदा सीएम दावेदार नजर आ रहा है, देखिए मराठा जो है वो शिंदे के लिए जो वर्तमान मुख्यमंत्री, उनको 27 फीसदी लोग मानना है, फडणवीस को 15 फीसदी, उद्धव ठाकरे को 20 फीसदी, अन्य सवर्ण की बात की तो 20 फीसदी यहाँ पर जो है एकनाथ शिंदे जी को, जबकि 40 फीसदी देवेंद्र फडणवीस, 15 फीसदी उद्धव ठाकरे को, उन भी अगर बात की जाए तो 34 फीसदी एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे, जबकि 9 फीसदी लेकर जो है देवेंद्र फडणवीस और 30 फीसदी उद्धव ठाकरे को लेकर, अन्य ओबीसी की बात की जाए तो 32 फीसदी एकनाथ शिंदे, 20 फीसदी यहाँ देवेंद्र फडणवीस और 25 फीसदी यहाँ पर उद्धव ठाकरे को यहाँ पर सीएम दावेदार में बढ़त हासिल करा रहे हैं, जबकि जो आंकड़े लोक नीति सीएडीएस के सर्वे के आंकड़े हैं। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऐसी कैटेगरी में अगर बात की जाए तो एकनाथ शिंदे 22 फीसदी लोगों की राय में आगे चल रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस यहाँ 14 फीसदी, उद्धव ठाकरे यहाँ पर 30 फीसदी लोगों की राय है, जबकि एसटी की बात की जाए तो 15 फीसदी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के तौर पर दावेदार में सबसे आगे रख रहे हैं, 4 फीसदी ही देवेंद्र फडणवीस, जबकि 31 फीसदी उद्धव ठाकरे के लिए। मुस्लिम धर्म की बात की जाए तो 7 फीसदी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के तौर पर दावेदार में आगे रख रहे हैं, 1 फीसदी देवेंद्र फडणवीस, जबकि 52% उद्धव ठाकरे के लिए। और बुद्धिस्ट की बात किया तो 7 फीसदी एकनाथ शिंदे, 10 फीसदी देवेंद्र फडणवीस और 25 फीसदी उद्धव ठाकरे को यहाँ पर सीएम दावेदार में आगे रख रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो सीएडीएस के सर्वे में काफी चौंकाने वाले आंकड़े रहे हैं। और महाराष्ट्र के जो नए सर्वे की बात की जाए तो सभी 288 सीटों का ओपिनियन पोल भी सामने आ रहा है, जिसमें नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 2 सीट है, महाविकास अघाड़ी को 2 सीट है, जलगांव की 11 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 6 सीट है, महाविकास अघाड़ी का 5 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना है, जबकि दुले की 5 सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए और 3 सीटों पर महाविकास अघाड़ी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। बुलढाणा की यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए का 3 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, महाविकास अघाड़ी का 4 सीटों पर पलड़ा भारी है,
जबकि बासिम की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए 1 सीट और महाविकास अघाड़ी का 2 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अकोला की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए का 3 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है, जबकि महाविकास अघाड़ी का 2 सीटों पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जबकि अमरावती की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए और महाविकास अघाड़ी 4-4 सीटों पर बढ़त हासिल करते नजर आ रही है, यानी कांटे की टक्कर अमरावती में देखने को मिल रही है, जो महाराष्ट्र को लेकर नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। वर्धा की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए का 2 सीटों पर पलड़ा भारी है, महाविकास अघाड़ी 1 सीट पर बढ़त हासिल करते नजर आ रही है। नागपुर की 12 विधानसभा सीटें महत्वपूर्ण हो जाती है, एनडीए को 8 सीट और महाविकास अघाड़ी का 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब तक महाराष्ट्र को लेकर 58 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें एनडीए 31 सीट, महाविकास अघाड़ी 27 सीट, अन्य के पक्ष में यहाँ पर कुछ सीटें जाने की संभावना, यानी सीधे तौर पर कांटे की टक्कर महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। भंडारा की यहाँ पर बात की जाए तो 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1 सीट और 2 सीटों पर महाविकास अघाड़ी का पलड़ा भारी है। गढ़चिरौली की 3 में से एनडीए 1 सीट, महाविकास अघाड़ी यहाँ पर 2 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि गोंदिया की 4 में से एनडीए 2 सीट और महाविकास अघाड़ी का 2 सीटों पर पलड़ा भारी। तीनों जिलों में कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों में भी एनडीए को 3 सीटें, महाविकास अघाड़ी का भी 3 सीटों पर पलड़ा भारी है। नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों में से एनडीए का 4 सीट पर और यहां पर महाविकास अघाड़ी का 4 सीट, 1 या 2 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यवतमाल की 7 में से 4 पर एनडीए और 2 सीट पर महाविकास अघाड़ी का पलड़ा भारी है, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। परभनी की 4 में से एनडीए का 3 सीटों पर पलड़ा भारी है और महाविकास अघाड़ी 1 सीट पर बढ़त हासिल कर सकती है, यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो परभनी में एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हिंगोली की 3 में से एनडीए को 2 सीट और 1 सीट महाविकास अघाड़ी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में काफी हलचल बढ़ चुकी है, चुनावी प्रचार और चुनावी कैंपेन शुरू हो चुके हैं, बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। तो जलाना की 4 में से एनडीए का 3 सीट और महाविकास अघाड़ी को 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इन तीनों जिलों में लाल अगर बात की तो एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जबकि औरंगाबाद की 10 में से 5 पर एनडीए और 5 पर महाविकास अघाड़ी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए नासिक की 15 विधानसभा सीट भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां एनडीए को 7 तो महाविकास अघाड़ी का 8 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है ठाणे की 18 विधानसभा सीटों में से एनडीए का 10 सीट तो महाविकास अघाड़ी का 8 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तीनों जिलों की बात की जाए तो यहाँ पर कांटे की टक्कर हर एक जिले में देखने को मिल रही है, जबकि बात की जाए यहाँ पर मुंबई की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए का 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है। महाविकास अघाड़ी भी 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल कर रही है, जबकि रायगढ़ की 7 में से एनडीए 2 सीट, जबकि महाविकास अघाड़ी का यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा है। रायगढ़ में सीधे तौर पर महाविकास अघाड़ी को बढ़त देखने को मिल रही है, जबकि मुंबई शहर की 26 विधानसभा सीटों में से एनडीए 14 सीट तो महाविकास अघाड़ी का 12 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो आंकड़े सामने आ रहा है। इस तरह से महाराष्ट्र को लेकर 288 सीटों में से 188 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें एनडीए करीब 100 सीटों के आसपास, जबकि महाविकास अघाड़ी 90 सीटों के आसपास है, अन्य के पक्ष में 205 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। कांटे की टक्कर अब तक की 188 सीटों में देखने को मिल रही है। पुणे की 21 विधानसभा सीटें निर्णायक है, यहाँ एनडीए का 15 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है तो महाविकास अघाड़ी का 6 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों में एनडीए 5 तो महाविकास अघाड़ी यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल कर रही है। भीड़ की यहाँ 6 में से एनडीए 2 सीट तो महाविकास अघाड़ी का या 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 3 जिलों में 1 पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा भारी है तो 2 जिलों पर महाविकास अघाड़ी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। लातूर की 6 में से 3 पर महाविकास अघाड़ी का पलड़ा भारी है तो एनडीए भी 3 सीटों पर बढ़त हासिल करती नजर आ रही है। उस्मानाबाद की 4 में से 2 पर एनडीए और 2 पर ही महाविकास अघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर है, और सोलापुर की 11 में से 5 पर एनडीए, 6 पर महाविकास अघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यानी तीनों जिलों में यहाँ पर एक एक सीट पर कड़ी टक्कर है, यानी हर एक सीट पर कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल रही है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। सतारा की 8 में से एनडीए को 4 सीट तो महाविकास अघाड़ी का भी 4 सीटों पर पलड़ा भारी है। सिंधुर की 3 में से 3 सीटों पर महाविकास अघाड़ी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। रत्नागिरी की 5 में से एनडीए को 5 सीटों पर बढ़त हासिल मिल रही है, यानी सीधे तौर पर बात करें सतारा में कांटे की टक्कर है, रत्नागिरी में एनडीए का पलड़ा भारी है तो सिंधुदुर्ग में महाविकास अघाड़ी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सांगली की बात की जाए तो 8 में से 5 पर एनडीए और 5 पर ही यहाँ पर महाविकास अघाड़ी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। पालघर की 6 में से 3 पर एनडीए और 3 पर महाविकास अघाड़ी यहाँ पर सीधे तौर पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है।
कोल्हापुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 10 में से एनडी का 6 सीट पर पलड़ा भारी है और महाविकास आघाड़ी का 4 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, यानी कि पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से महाराष्ट्र को लेकर जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें सीधे तौर पर बात की जाए तो एनडीए को 150 सीटों के आसपास सीटों की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी करीब 140 या 130 से 40 के बीच की संभावना है और एनडीए के पक्ष में 2 से 10 सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। फिलहाल अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में जिस कार की हलचल है, जिस कार के चुनावी प्रचार किए जा रहे हैं और जो चुनाव को लेकर सक्रियता नजर आ रही है उस माहौल से बात की जाए तो एनडीए महाराष्ट्र में अकेला कर सकती है, लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी भी ज्यादा दूर नहीं है, यानी कांटे की टक्कर महाराष्ट्र में इस समय देखने को मिल रही है। लेकिन महाराष्ट्र में अगली सरकार किसकी बनेगी ये तो महाराष्ट्र की जनता तय करने जा रही है, लेकिन बात की जाए तो एनडीए और इंडिया गठबंधन इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग पूरा हो चुका है और सीटों का लेकर भी यहाँ पर बंटवारा हुआ है और उम्मीदवार की चुनावी प्रचार के लिए यहाँ पर लिस्ट भी जारी है, उसके बाद काफी हलचल देखने को मिल रही है। तो महाराष्ट्र को लेकर आपको अपनी रखनी है। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाएं, जय भारत।